अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही बढ़िया एक कंडेंस्ड मिल्क। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनकर के रेडी हुआ है। ये देखिए मैं आपके दोनों को चेक करके दिखा देती हूँ। मिल्क बना करके फ्रिज में रख लें, इनको आराम से 1.5 से 2 महीने तक यूज़ करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और तब भी आपका केक, आइसक्रीम या फिर मिठाइयाँ बनाने का मन करें तो आप इनको फ्रिज में से निकालें और यूज़ कर लें। आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार कंडेंस्ड मिल्क जरूर बनाइए। मुझे यकीन है अगर आप एक बार इसको घर पे बना लोगे तो आप दोबारा मार्केट से कभी भी इसको नहीं खरीदोगे। कंडेंस्ड मिल्क जरूर बनाइए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए मैंने पैन लिया है, आप चाहो तो पैन कढ़ाई कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो देखिए ये मैंने 500 ग्राम दूध लिया है, दूध को इसमें ऐड कर देंगे। अभी देखिए मैंने 200 ग्राम शक्कर ली है, शक्कर को इसमें ऐड कर देंगे। कंडेंस में मीठा ज़्यादा होता है, इसमें शक्कर ज़्यादा ही पड़ती है। अब इसको हम चूल्हे पर रख देंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। शक्कर को मेल्ट होने तक हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे क्या है शक्कर और दूध नीचे तले में चिपके रहें और दूध में उबाल आने देंगे। ये दूध में देखिए उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और शक्कर भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अगर आप इसका और अच्छा टेक्सचर चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका कंडेंस्ड मिल्क भी बिल्कुल मार्केट के जैसा बने, तो देखिए आप इसमें करीब 20 ग्राम जितना ये मक्खन ऐड कर दें। ये मक्खन को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को हम बढ़िया अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। ये मक्खन से क्या है इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये आपको लगेगा ही नहीं कि कंडेंस्ड मिल्क आपने घर पे बनाया है या मार्केट से लेकर आया हो। दूध में उबाल नहीं आने दें, फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पे इसको बढ़िया गाढ़ा होने तक पका लें। इसको बीच बीच में चला करके चेक कर लें, तब आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो फ्लेम को ऑफ कर दें। बस इसी तरीके से दूध उबलते रहना चाहिए, इसमें ज़्यादा उबाल नहीं आना चाहिए। हमारा दूध देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, अभी हम इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे। ये देखा आपने ये दूध पकते पकते आधे से भी कम हो चुका है। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनकर के रेडी है। फ्लेम को तो हम ऑफ कर देंगे, इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो चुका है, अब इसको तो हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इसको तो मैंने बाउल में निकाल लिया है, अब मैं आपके साथ एक तरीका और शेयर कर लेती हूँ, उसको हम इससे भी जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्सी का जार ले लेंगे। तो देखिए आप इस तरीके से नाप के लिए या तो कोई कप या कोई प्याली कुछ भी चीज़ फिक्स कर लें। अब देखिए मैंने कप लिया है, मैं इस कप से ही नाप करके सारे सामान को ऐड करूँगी। देखिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये 2 कप मिल्क पाउडर मैं इस जग में ऐड कर दूँगी। मैंने मिल्क पाउडर अमूल कंपनी का लिया है, आप चाहो तो दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो। एक कप शक्कर ऐड करेंगे, अब इसी कप से नाप कर देखिए एक कप दूध ऐड करेंगे। ये दूध नॉर्मल या फिर ठंडा होना चाहिए, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। अभी देखिए ये 2.5 ml का ही चम्मच है, ये मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या है इसका टेक्सचर अच्छा आता है। अब इनको हम मिक्सी के हेल्प से चला करके मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट बनाने से क्या है इसमें लम्स बन सकते हैं, तो इस वजह से मैं इसको मिक्सिंग चला रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है,
अब इसको हम किसी भी कढ़ाई में या फिर पैन में ऐड कर देंगे। अभी मैंने चूल्हे को ऑन नहीं किया है, अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब देखिए हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आने तक इसी तरीके से चलाते हुए इसको पकाएंगे। अगर इसको हम इसी तरीके से चलाएंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे तो नीचे चिपक सकता है और इसमें लम्स बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी और बहुत ही बढ़िया बनकर के रेडी होगा। इसको बराबर से चलाते रहें, इसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं। यकीन मानिए ये हमारे दोनों ही कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बनकर के रेडी होंगे। और तब भी आपका केक बनाने का, मिठाई बनाने का मन करे तो इसको निकालें और इसको यूज़ कर लें। दूध से और मिल्क पाउडर से बने हुए कंडेंस्ड मिल्क के अंदर थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इनका टेक्सचर और इनका टेस्ट दोनों का ही बहुत अच्छा होता है। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से कंडेंस्ड मिल्क बना करके रख सकते हो, ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखा आपने, इनको बनाना कितना आसान है, बस बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनका बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। अगर हम फ्लेम को ज़रा भी ज़्यादा कर देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर में बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं। ये भी देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसका टेक्सचर भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों कंडेंस्ड मिल्क को मैंने बाउल में निकाल लिया है। देखा आपने, इनके कलर में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन यकीन मानिए इन दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो देखा आपने ये कितने सिंपल तरीके से और कितने बढ़िया हमारे कंडेंस मिल्क बनकर के रेडी हुए हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार एक कंडेंस मिल्क ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल बनाए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।